सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर द स्कोर वर्सेस द रैंक इन नीट 2022 एंड नीट 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट अ रफ एस्टिमेट अबाउट द रैंक वर्सेज द मार्क, बिकॉज दिस ईयर जो स्कोर और रैंक का रेशियो रहा है वो बहुत ज़्यादा वेरी करा है लास्ट ईयर के कम्पेयर में, और इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान भी हैं, क्योंकि वो अपने स्कोर्स को लास्ट ईयर के स्कोर से कंपेयर कर रहे थे और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लास्ट ईयर 705 स्कोर पे रैंकिंग थी 37 एंड इस ईयर वो बढ़ के हो गई है 154। सिमिलरली 700 मार्क्स पे लास्ट ईयर जो रैंक थी वो थी 91 एंड इस ईयर वो बढ़ के हो गई है 320। लास्ट ईयर 695 स्कोर पे रैंक थी 143 एंड इस ईयर वो बढ़ के हो गई है रफली अराउंड 400। लास्ट ईयर 686 मार्क्स पे रैंक थी 450 एंड इस ईयर वो हो गई है 1018। लास्ट ईयर 651 मार्क्स पे रैंकिंग थी वो थी अराउंड 3800 एंड इस बार वो बढ़ के हो गई है 6600। लास्ट ईयर 598 मार्क्स पे जो रैंकिंग थी वो थी रफली अराउंड 21,800, इस बार वो बढ़ के हो गई है 30,000 एंड लास्ट ईयर 550 मार्क्स पे जो रैंकिंग थी वो थी अराउंड 49,000 और इस बार वो बढ़ के हो गई है 65,700। सो जैसा कि हमने देखा कि इस बार जो स्कोर हैं और रैंक है उन दोनों में लास्ट ईयर के स्कोर और रैंक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसके कुछ पॉसिबल रीजन ये बताए जा रहे हैं कि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लास्ट ईयर के कंपेयर में जो बायो का पेपर था वो थोड़ा इजी आया था एंड मैनी मोर। सो अगर आप अपनी रैंक के बेस पे इस ईयर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, एंड अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई और आपका इस बार किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, सो यू कैन चेक दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.